आज मैंने नया नया एक अपनी फ्लूट ख़रीदा है और मैं इसका आज अनबॉक्सिंग करूँगा। तो आपको अनबॉक्सिंग करने के लिए चाहिए एक फ्लूट, एक सैनिटाइज़र जो कि किसी भी दुकान के सामने मिल जाएगा आजकल, आप वहाँ से ला सकते हो, और एक कैंची। तो मैंने इसको तो पूरा सैनिटाइज कर दिया है, पूरा इतना गीला कर दिया था कि अब मुझे इसको पोंछना पड़ा। तो मैं इसे खोल रहा हूँ, आप कैंची लो और कैंची से जैसे मन चाहे वैसे काटो, और इसको मेरे को रुका नहीं जा रहा इतना है। ओ ये तो निकल भी नहीं, निकल गई। चलो तो ये है फ्लूट है, ये है सी की और ये है पीवीसी की बनी हुई फ्लूट। तो बांसुरी मैंने खोल ली है और इसमें मुझे मिल रहा है एक राधा फ्लूट्स का एक पेपर जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने बैम्बू फ्लूट जो ये बनाते हैं उनके बारे में लिखा है, उन्होंने पीवीसी फ्लूट जो कि मैंने अभी ख़रीदी है वो चीज़ है, और एक ये बेस और स्टील फ्लूट्स हैं, और एक फ्लूट का आपको फिगर मिल रहा है इसमें, और इन्होंने बताया कि आपको स्वर कैसे लगाने, जैसे स रे ग म प ध नी सा, और ये फिंगरिंग दी है उनकी। और पीछे है थैंक यू फॉर परचेजिंग, और कह रहे हैं कि रिव्यू करो आप अमेज़न में जाके, तो वो मैं कर दूँगा। और मेरे पास दो हैं पेपर, ये बिल हो गए, और एक अमेज़न ने अपने मर्ज़ी से भेज दिया है ब्लैंक पेपर, तो थैंक यू, इसमें मैं ड्राइंग बना लूँगा। और अब बात करते हैं फ्लूट की। तो ये जो फ्लूट है ये है पीवीसी की फ्लूट, पीवीसी मतलब प्लास्टिक। तो पता नहीं किसके दिमाग में आया होगा कि शायद किसी का घर बन रहा होगा तो उन्होंने अपना पीवीसी पाइप निकाल के उसमें छेद कर दिए और बना दी फ्लूट। तो ये बेसिकली एक प्लास्टिक की फ्लूट है, ये बैम्बू फ्लूट नहीं है। तो मेरे पास पहले एक बैम्बू फ्लूट थी, ये बैम्बू फ्लूट आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें डेंट वेंट पड़ चुके हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं फ्लूट बजा रहा था और इसको गिरा दिया था मैंने अपनी बालकनी से नीचे वाले घर के आंटी के ऊपर, तभी बज गई फ्लूट। एक बड़ा सा क्रैक आ गया है यहाँ पर एक क्रैक है इस फ्लूट में, बाकी तो फ्लूट ठीक ठाक है। तो आखिर पीवीसी कोई प्लास्टिक की फ्लूट क्यों खरीदे, आप जाके बैम्बू की फ्लूट खरीद सकते हो, फ्लूट क्योंकि बैम्बू की ही होती है, तो प्लास्टिक की फ्लूट क्यों खरीदी जाए? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि क्या होता है कि जैसे सीज़न चेंज होते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, तो उसके हिसाब से जो फ्लूट है ना वो चेंज होता रहता है। इसका जो बैम्बू है, सपोज़ करिए बारिश आ गई, तो बारिश में क्या होगा कि बैम्बू थोड़ा सा डैम्प हो जाता है, वेट हो जाता है, तो उसकी जो स्वर रहते हैं ना वो अलग निकलते हैं, और कभी गर्मी आ जाती है तो गर्मी में एकदम ड्राई हो जाता है ना, उसमें वो पड़ने लग जाते हैं, क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं गर्मियों में, तब फिर उसकी टोन अलग आ जाती है। तो इसीलिए लोगों ने मतलब शायद इस पीवीसी फ्रूट बनाया होगा कि इसमें क्या है कि हमेशा एकदम एक ही टोन रहती है, चाहे तुम गर्मी में बजाओ चाहे तुम बरसात में बजाओ, हर जगह हर समय एक ही ट्यून रहती है इस फ्रूट की। तो ये एक अच्छी बात है इसकी, और मैं बजा के दिखाता हूँ कैसे बजती है, बहुत शानदार बजती है ये। तो ये थी पीवीसी फ्लूट।